मिशन चंद्रयान 3 के जरिए एक और बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए बताया कि रोवर पर लगे पेलोड के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर और ऑक्सीजन समेत अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है और दावा किया गया कि ऐसा पहली बार है जब किसी चंद्रयान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इन सीटू माप किया है। यानी चंद्रयान 3 ने पहली बार चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की। माप से सल्फर की मौजूदगी का पता लगता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम का भी पता लगाया। इसरो ने ट्वीट कर रोवर में लगे उपकरणों के जरिए हुई इन खोजों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का भी पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। कराची, पेशावर और लाहौर जैसे इलाकों में तो लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो इतने महंगे बिलों का भुगतान नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आए कई वीडियो में लोग महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहाँ से आए एक वीडियो में तो कुछ लोगों ने बिजली विभाग की एक गाड़ी को ही घेर लिया। इसके अलावा वहाँ की मस्जिदों से पाकिस्तान की सरकार को भी जमकर कोसा गया। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक बिजली के दाम बढ़ाए जाने से वहाँ हंगामा मच गया और लाखों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। वहाँ हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों ने महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर खुदकुशी करने की धमकी देनी तक शुरू कर दी। वहाँ से आए एक वीडियो में एक आदमी महंगे बिजली बिल से तंग आकर रेल की पटरी पर जान देने के इरादे से खड़ा नजर आया और उसने इसके पीछे की वजह अपने नाम पर आए हजारों के बिजली के बिल को बताया। यही नहीं, वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो कुछ लोग पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अंग्रेजों के शासन से भी बदतर बताते नजर आए। वहाँ की सरकार ने अचानक बिजली के दाम में 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम शहरों में भूचाल आ गया। इधर चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का राकेश रोशन और इंदिरा गांधी पर दिए बयान पर विवाद अभी थमा नहीं था कि उनके नए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नए बयान पर ट्वीट किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर इतिहास को बिगाड़ने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें महाभारत के रचयिता को लेकर दावा किया जा रहा है। महाभारत नज़रुल इस्लाम लिखे थे। इससे पहले भी ममता बनर्जी उस वक्त अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गई थी जब उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद राकेश शर्मा और इंदिरा गांधी का एक किस्सा सुनाया था जिसमें उन्होंने राकेश शर्मा को राकेश रोशन बता दिया था। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी तो महज ट्रेलर है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान की सरकार जल्दी वहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी भारी इजाफा करने वाली है। मतलब पहले से करा रही पाकिस्तान की जनता पर अभी महंगाई का डबल अटैक होना बाकी।